कैसे हैं आप सब? हो आप सभी काफी अच्छे होंगे। बेटा, जो लाख की चूड़ियां, ये 8th क्लास वसंत 3 यानी कि भाग 3 का लेसन है, हिंदी बुक का, हिंदी पुस्तक का सेकंड लेसन है, यानी कि दूसरा लेसन है लाख की चूड़ियां। तो बेटा, इस लेसन के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि लाख की चूड़ियां कैसी हैं, कैसी होती हैं। ठीक है, आजकल जो चूड़ियां होती हैं हमारी, वो कांच की होती हैं, और पहले जमाने में जो चूड़ियां होती थी वो लाख की चूड़ियां होती थी। उन दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें इस पाठ के लेखक का नाम बेटा कामतानाथ है। वो अपने बचपन से जुड़ी बातें बताता है, और वो कैसे कैसे अपने मामा के घर जाता है, और वहां पर कौन इस तरह की चूड़ियां बनाता था। तो कंप्लीट लेसन में इस तरह की बातें दी हुई हैं, तो उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलो मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि पूरे गांव में, सारे गांव मतलब पूरे गांव में जो बदलू था वो सबसे अच्छा लगता था। किसको? लेखक को, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो बदलू था वो लेखक को लाख की गोलियां, जैसे हमारे कंचा गोलियां होती है ना बेटा, ऐसी सुंदर सुंदर गोलियां उसको बनाकर देता था, क्योंकि उस समय लेखक छोटा था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक जब अपने मामा के घर जाता था तो वहां पर बदलू उसको रंग बिरंगी बेटा, ठीक है, लाख की गोलियां बनाकर देता था, और वो ना वहां से ढेर सारी गोलियां अपने घर लेकर आता था। तो इस वजह से लेखक को वहां पर जाने का मन करता था। कहां पर? अपने मामा के घर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये? तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। बेटा, जैसे हम मामा के घर जाते हैं तो वहां पर जो हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, माँ जो अपने माँ के भाई होते हैं, उनको मामा कहते हैं। तो कहता कि वैसे तो मुझे उसको मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। अब वो प्यार से उसको क्या कहता था? बदलू काका, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब गांव के बच्चों का तो बदलू काका लगता था, और लेखक भी छोटा था, तो वो उनके साथ ही उसको क्या बोलता था? काका। जैसे हम अपने घर पर कई बार क्या होता है, दादी को क्या बोलते हैं? माँ। ठीक है, ऐसे ही वो बदलू को काका बोलता था, न कि मामा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, तो हाइट बेटा अलग से दिखता था। मकान के सामने बड़ा सा शहन था, शहन होता चौतरा, ठीक है, चबूतरा जो होता है वो था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। और वहां पर सैन जो चबूतरा था उसमें किसका पेड़ लगा हुआ था बेटा? कौन से वृक्ष का पेड़ लगा हुआ था? नीम का। इसको आपने याद रखना, छोटे क्वेश्चन में ऐसे होता है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अब क्योंकि बदलू जो अपने लाख के, क्योंकि लेखक ने तो आपको बताया कि मैं वहां से लाख की गोलियां लेकर आता था, तो बदलू कुछ ना कुछ वहां काम करता था। कहां पर बैठकर? नीम के नीचे। बगल में बट्टी बट्टी सॉरी भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। बेटा, जो लाख होता है ना उसको पिघला कर ही बनाया जाता है, ठीक है, वो एक भट्टी होती है उसमें उसको पिघलाता था बदलू, किसको? लाख को। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। जैसे ही लाख मुलायम हो जाता गर्म करने पर, तो वह उसको एक चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरिया बेटा जो गोल, जो हमारे ना होते हैं ना गोल गोल, जैसे कोई भी, ठीक है, क्योंकि उसी में वो साइज होते, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, जैसे
छोटी बच्चियां होती हैं उनके हाथ छोटे होते हैं, जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग साइज के, बताया ना चारों छह बेलन नुमा मंगोरियां रखी रहती, जो आग से कुछ सॉरी आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी। तो बता रखा उसकी बनावट कैसी थी, जो मुंगेरियां थी ना उनकी बनावट कैसी थी, वो आगे से पतली और पीछे से मोटी। मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा आगे कि कौन सा वृक्ष लगा हुआ था, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है वहां पर नीम का था। ऐसे में पूछूंगा मुंगेरियां कैसी थी, ठीक है, आगे से पतली पीछे से मोटी, ठीक है। मैं पूछ भी सकता हूँ कि कितनी मुंगेरियां रखे थे उसके पास, चार या छह, ये आपने ध्यान रखना है। चलो आगे पढ़ते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। अब उसको गोल कर लेता, जैसे गोल गोल चूड़िया होती है ना, ऐसे उसको गोलाई देता, सर्कल की तरह, वृत्त की तरह। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बेटा पूरे कंप्लीट हाथ में, यानी कि ऐसा नहीं कि एक दो, जैसे ना बहुत सारी चूड़िया बना लेता था, ठीक है, और फिर उनको ना कलर कर देता था, यानी कि रंगीन रंग कर देता था उन्हें, ठीक है, उन पर रंग करता था, ठीक है। बदलो यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर, बेटा मच्छी एक पीढ़ा जो होता है ना बैठने का थोड़ा, ठीक है, मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। जैसे हमारे घर पर होती है नॉर्मल, जैसे आप हमारी मम्मी या आपकी मम्मी बैठती हैं, ठीक है, पाटड़ी जो बोलते हैं ना देसी सब पाटड़ी उसको बोलते हैं, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, ठीक है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बताओ उसके बगल में क्या रखा था, हुक्का, जैसे पीते हैं, जिसे हम गांव में, तो गांव वाले बच्चे तो समझ जाएंगे बेटा हुक्का क्या होता है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, जैसे वहां जाता था ना वो अपने मामा के घर, तो ना मामा के घर कम रहता था और बदलू के पास आ जाता था। वह मुझे लल्ला कहा करता, और बदलू काका भी उसे प्यार से क्या बोलता, लल्ला, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता, और मेरे लिए भी एक मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़िया बनाते देखता रहता, और मैं उसकी तरफ देखता रहता कि बुदलुका का कैसी चूड़िया बना रहा है। लगभग रोज रोज बेटा प्रतिदिन ही वह चार छह जोड़े चूड़िया बनाता। जोड़ा क्यों बोला बेटा, क्योंकि एक जोड़ा मैंने कि दोनों हाथों को बताया, लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं, ठीक है, जोड़ा चूड़िया बनाता था, छह, चार या छह। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु बेटा जब हम लड़की की शादी करते हैं ना, तो वो उस वक्त कि जैसे कि कोई लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, ठीक है, तो उसके हाथ पर जैसे कोई नवविवाहित लड़की की कलाई हो, क्योंकि जो नवविवाहित लड़की होती है ना वो बहुत ज्यादा जब बेटा चूड़िया पहनती हैं, ठीक है, ये रिवाज होते हैं हमारे, ठीक है। आगे है, बदलू मनिहार था, मनिहार बेटा चूड़ी बेचने वाले को बोलते हैं मनिहार, ठीक है, चूड़िया बनाना, ठीक है, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पैसा था, पैसा सॉरी पेशा पेशा था, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से ही जो हम पापा का काम जब हम करते हैं, तो यानी कि स्टार्टिंग से बता रखा है कि वो उनका एक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। वो भी बनाता था, पहले उसके पापा बनाते, फिर पापा से पहले उनके दादा बनाते होंगे, तो इस वजह से वो उनका एक पेशा था। उसके बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी चूड़िया बनाता था, अच्छी चूड़िया बनाएगा तो वो सब उसको उससे लेने आते थे, तो उसकी खपत भी ज्यादा थी, यानी कि उसके पास चूड़ियां बचती नहीं थी, जितनी वो बनाता था वो सब बिक जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियों स्त्रियां सॉरी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़िया पहनती ही थी। आस पास के गाँव के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे। गांव की स्त्रियां तो ले पहनती थी, आसपास के जो गांव थे वे भी चूड़ियां ले जाते थे उससे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। बेटा वो ना
चूड़ियों को जब देता था ना, उनसे पैसे नहीं लेता था बदले में। ठीक है, अब हम ये आगे सीखेंगे ये कैसी प्रथा थी, क्योंकि आजकल तो हम क्या करते हैं, कोई चीज देते हैं तो उससे पैसे लेते हैं, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बेटा ये वस्तु विनिमय एक आपका दे रखा है, विनिमय का जो तरीका क्या होता है, क्वेश्चन भी है, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना, एक वस्तु दे दी उसके बदले दूसरे वस्तु उससे ले लेना, यानी कि ये कुछ आगे आएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। अब आ गया ना समझ में कि वो उनसे पैसे क्यों नहीं लेता था, क्योंकि वो उनसे उन चूड़ियों के बदले में क्या लेता था, अनाज। ठीक है ना, तो फ्री में नहीं देता था कि आप सोचो कि ऐसे दे देता था, नो, उनसे बेटा अनाज ले लेता था उनके बदले में। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था, मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छे स्वभाव का था, सरल स्वभाव का था, और वो ऐसा नहीं था कि भाई कोई इसी के से झगड़ा कर ले कि कम अनाज दे दिया। ठीक है, जितना दे देता था उससे उतना ही अनाज ले लेता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन जब शादी का अवसर होता, ठीक है, तो वो थोड़ी सी जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेकिन बेटा जैसे कि किसी घर लड़की की शादी होती है और उससे कोई वो चूड़ियां लेकर जाते लड़की के लिए, तो बेटा फिर वो क्या करता कि वो कहता कि देखो आपके घर तो खुशी का मौका है और आप मेरे को इन चूड़ियों के बदले, ठीक है, इतना अनाज दो, यानी कि वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व तो ही और होता है, तो ये इसमें बता रखा है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। कौन बिगड़ गया था बताओ, बदलू काका। और फिर उसको मनाने में लोह लग गए थे। लोहे का मतलब होता है बेटा पूरा जोर लगाना, ठीक है, मुहावरा ये, लोहे लग गए थे। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। तो अब उसने क्या, देखो क्या बताया है कि विवाह के समय जब वो चूड़िया देता तो उसके बदले वो अनाज अनाज नहीं लेता, वो अपने जो उसकी घरवाली, ठीक है, उसके कपड़े लेता, अनाज लेता, पगड़ी लेता, और साथ में कुछ पैसे भी लेता। बेटा ये हमारे जो टॉपिक था आज, हम इतना ही करेंगे हिंदी का। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इससे रिलेटेड अपनी बुक में, अपने फेयर नोटबुक में 5 या 10 या 15 जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको नोट करोगे और उनके आंसर्स लिखोगे और उन्हें याद करोगे। तो बेटा आज के लिए इतना, बाय।